अभी और वीडियोस भी आएंगे। क्या बात कर रहे हो? तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि एलविस यादव ने ध्रुव राठी के ऊपर एक रोस्ट वीडियो निकाला था। तो इस वीडियो के ऊपर ना अभी तक ना ध्रुव राठी ने ना कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है और ना ही जो ध्रुव राठी ने ना अपने मेन चैनल पे किसी भी वीडियो में ना एलविस यादव के रिलेटेड कोई बात नहीं की है। तो इसके ऊपर क्या ध्रुव राठी कोई रिप्लाई करना चाहेंगे, क्या इसके ऊपर ध्रुव राठी प्रॉपर वीडियो बना रहे हैं? और एलविस यादव ने एयरपोर्ट पे स्पॉट होते हैं तो वहां पे ना मीडिया वालों ने पूछा कि एलविस भाई आप ध्रुव राठी के ऊपर वापस से दोबारा वीडियो बनाओगे या फिर नहीं बनाओगे? तो इसके ऊपर एलविस यादव ने क्या रिप्लाई दिया वो आप सुन सकते हो। एलविस भाई आपने ध्रुव को बराबर रोस्ट किया, मजा आ गया वीडियो में। तो आप लोगों को एलविस यादव का रोस्ट वीडियो कैसा लगा आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसके बाद ना एलविस यादव ना अपने सॉन्ग के शूट के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पे ना उसको नो वाला बंदा मिल चुका था जिसने ना एलविस यादव जब बिग बॉस में थे तब उसके पीछे ना एक डायलॉग चलाया था जो कि आप यहाँ पे सुन सकते हो। भाई अपना बोल के दिखाना, बिना टोपी लगना चाहिए, वही वाली फील्ड में बोलना, ए वाला भी करना। अरे एलविस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविस भाई। तो आप सभी लोग ना इस बंदे को ना जानते हो गए जो कि जब एलविस यादव ना बिग बॉस में गए थे ना तभी पीछे ना ये बंदा ना बहुत ही वायरल चला था और ये बंदा ना एलविस यादव को बोल रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर मैंने जो डायलॉग बोला था ना उसके ऊपर बंदे ने ना मुझे बहुत गाली दी है और बहुत ही मुझे हेट झेलनी पड़ी थी। और उसके बाद ना ये बंदे ने ना एलविस यादव को ना एक छोटा सा गिफ्ट दिया। ये वाला गिफ्ट तो छोटा है लेकिन बहुत ही प्यारा है और ये वाला गिफ्ट क्या है वो आप देख सकते हो। भाई ये हमारे भाई साहब हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ये तो दिखाओ पहले। ले भाई गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। तो भाई ये वाला गिफ्ट कैसा लगा? मुझे तो भाई बहुत ही ना पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ना मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसके बाद आप लोगों को पता होगा कि एलविस यादव ने ना दो दिन पहले ना अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना एक स्टोरी डाली थी और वहाँ पे ना एलविस यादव ने बताया था कि 8 तारीख को ना हम लोग आ रहे हैं गुजरात अहमदाबाद में। तो इसके ऊपर ना एलविस यादव ने और लक्ष्य ने एक स्टोरी डाली है जो कि वो फाइनली ना आज के दिन में ना अहमदाबाद पहुंच चुके हैं जो कि आप ना ये फोटोज और स्टोरीज देख सकते हो। एलविस यादव का ना कल मीटअप होने वाला है अहमदाबाद में और अहमदाबाद में ना कल चक्का जाम होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ऐसी एलविस यादव के रिलेटेड न्यूज पसंद आती है तो आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि हमारे चैनल पे ना एलविस यादव के रिलेटेड ना फास्ट न्यूज अपलोड होती रहती है। तो अगर आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।